पीताम्बर पहने, गले में वैजयंती माला, मोर पंख युक्त मुकुट पहने हुए प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक लगते हैं। उनके हाथ में कोई शस्त्र आदि नहीं, अपितु बांसुरी रहती है, जो कला का प्रतीक है। जीवन को सुमधुर बनाने के लिए मन और आत्मा को आनंदित करने वाले संगीत के प्रति लोगों को रुचि को जगाने के लिए ही मानते थे। श्याम रंग यानी कि कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग ना तो काला था और न ही नीला, बल्कि उनका जो शरीर था वो श्यामल रंग का था, यानी कि काला नीला और सफेद रंग का मिश्रित रंग। साथ ही उनके घुंघरेले बाल थे और कमल नेत्र से युक्त थे। उनका शरीर कोमल यानी कि लड़कियों के समान मृदु था, लेकिन जब वो युद्ध लड़ते थे तो उनका शरीर किसी पत्थर के समान कठोर हो जाता था। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी रंग रूप में ढालना जानते थे। और मैं आपको बता दूं कि यही गुण कर्ण और द्रौपदी में भी था। भगवान श्री कृष्ण देखने में बड़े ही मनमोहक थे और उनके शरीर से एक मादक गंध आती थी। यही खूबी द्रौपदी में भी थी, जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया तो उनके शरीर में एक भी सफेद बाल नहीं था और न ही उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियां पड़ी थी, यानी कि वो 119 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल एक युवा के जैसे लगते थे। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक। मैं खुद नहीं जा पा।